हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज यूनिट 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, लैटिस एंथैल्पी और बोर्न हेबर साइकिल, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो प्लीज गाइज फोकस के साथ में वीडियो को ध्यान से एंड तक कंसंट्रेशन के साथ में देखना है बिल्कुल इजीली। आज का ये जो टॉपिक है लैटिस एंथैल्पी एंड बोर्न हेबर साइकिल वाला, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोल रही है डेफिनेशन? इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिसोशिएट्स इनटू इट्स गैसियस आयंस। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड डिसोशिएट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, है ना, आयंस कहना ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड बनता किससे है? आयंस से, कैटायंस एंड एनायंस से। तो यहां पर जो एक मोल आयोनिक कंपाउंड है वो डिसोशिएट हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में या फिर गैसियस आयंस में, तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को कहा जाता है लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल भी है, देखिए NaCl जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में डिसोशिएट हो रहा है? Na पॉजिटिव कैटायन में, गैसियस फॉर्म में है, और Cl नेगेटिव एनायन में, ये भी गैसियस फॉर्म में है। अब यहां पर देखिए डेल्टा लैटिस एच नॉट की वैल्यू क्या होगी? +788 किलो जूल। पॉजिटिव है लैटिस एंथैल्पी, यानी कि यहां पर हमें NaCl का जो बॉन्ड है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, उसको ब्रेक करने के लिए हमें यहां पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्लस साइन लगा है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियोज में, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपका पता होगा, एक्सोथर्मिक में माइनस साइन लगाते हैं, एंडोथर्मिक में प्लस। चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा बोर्न हेबर साइकिल, है ना। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, अगर आप ध्यान से यहां पर देख रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये आपसे मेरा वादा है, बस आपका काम फोकस के साथ में देखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो यहां पर फॉर्मेशन होगा NaCl सॉलिड का, है ना, एक क्रिस्टल का आयोनिक कंपाउंड बनेगा NaCl का। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन होता है तो कौन सी एंथैल्पी लगती है? डेल्टा एफ एच नोट। एफ का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, है ना, तो यहां पर फॉर्मेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, तो NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है तो डेल्टा एफ एच नोट हम यहां पर लिख रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़कर आए हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज हमने वहां पर पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी थी विद एग्जांपल, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप देख सकते हैं। चलिए अब बोर्न हेबर साइकिल में अलग अलग स्टेप्स होती है, तो उन स्टेप्स को मैंने आपके लिए यहां पर समराइज कर दिया है, है ना, एक एक स्टेप को फॉलो करते जाएंगे और यहां पर हम साइकिल बनाते जाएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए सब्लिमेशन ऑफ Na मेटल, सोडियम मेटल, है ना, सोडियम मेटल का सब्लिमेशन करना है। अब सब्लिमेशन क्या होता है सर, तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़कर आए हैं, है ना। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में बदल जाता है, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो देखिए ये सॉलिड सब्सटेंस है, सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट में है, तो यहां पर हमें इसको देना पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा SUBH से। ठीक है, यहां पर ये जो एनर्जी है ये पॉजिटिव में रहेगी, एंथैल्पी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो यहां पर जो सोडियम सॉलिड स्टेट में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम गैस में, क्योंकि सब्लिमेशन का मतलब ही यही होता है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये सोडियम का एक एटम था तो ये गैसियस सोडियम एटम में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पर ये क्लोरीन का एटम नहीं है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, देखिए हाफ Cl2 लिखा है ना, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, है ना, एक बॉन्ड बनता है बीच में, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है तब जाकर के ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्लोरीन के एटम में कन्वर्ट होगा, गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा, है ना। देखिए सॉलिड
गैस में कन्वर्ट हो गया है, ये एटम था, ये भी एटम है। अब यहां पर ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हमें पहले तो किस में कन्वर्ट करना है, एटम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको कौन सी एनर्जी देंगे बताइए। देखिए यहां पर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देने वाले हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड को ब्रेक करने वाली एंथैल्पी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा बॉन्ड एच, है ना, और ये भी होगी पॉजिटिव में, ठीक है। अब यहां पर हाफ हाफ देंगे, है ना, हाफ डेल्टा एच देंगे प्लस हाफ, ठीक है, हाफ डेल्टा बॉन्ड एच। अब यहां पर जो Cl2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में, है ना, और Cl गैशियस में, ठीक है, गैशियस स्टेट में रहेगा। अब यहां पर ये जो क्लोरीन का एक एटम है ये, अब देखिए ये भी गैशियस स्टेट में है, ये भी गैशियस स्टेट में है, ये भी एटॉमिक फॉर्म में है और ये भी एटॉमिक फॉर्म में है ना, मॉलिक्यूल से एटम में हमने कन्वर्ट कर दिया है इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देने के बाद में मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, ये जो सोडियम का गैशियस एटम है ना, देखिए फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर ली है, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम मेटल, सब्लिमेशन कर दिया हमने। सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिया हमने, डिसोसिएशन द बॉन्ड, डिसोसिएट द बॉन्ड ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो ये बॉन्ड था ये हमने डिसोसिएट कर दिया है, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देने के बाद में, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना है, आयनाइजेशन ऑफ गैशियस सोडियम एटम, ये वाली जो स्टेप है ये हमें फॉलो करना है। अब ध्यान से देखिए, हमें सोडियम से सोडियम प्लस बनाना है, सोडियम कैटायन बनाना है, और Cl से Cl एनायन क्लोराइड आयन बनाना है हमें। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोडियम से सोडियम प्लस Na प्लस कैसे बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो हम वहां पर यूज करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। तो यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें देनी पड़ेगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आई एच, है ना, आई का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो गैशियस स्टेट में एटम था सोडियम का, ये Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैशियस स्टेट में रहेगा ये, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पर क्या होगा, जो क्लोरीन का एटम है जो कि गैशियस स्टेट में है, इसको हमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा इसको। भैया 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के अंदर, है ना, फर्स्ट में 2, फिर 8 एंड फिर 7, तो 7 में एक हम ऐड कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे, दे देंगे इसको, है ना, तब जाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में, जो कि गैशियस स्टेट में रहेगा। तो माइनस में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको हमें कौन सी एंथैल्पी देनी पड़ेगी, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, EGE, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है माइनस में, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा माइनस में होती है अधिकतर, है ना, मोस्टली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पर इसको हम प्रोवाइड करवाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हमें इंटर करवाना है, Cl से Cl- में कन्वर्ट करना है इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे इसको, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें यहां पर लगेगी, ठीक है। अब देखिए ये Na पॉजिटिव गैशियस स्टेट में, ये Cl नेगेटिव गैशियस स्टेट में, दोनों अब कंबाइन करेंगे, देखिए यहां पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों कंबाइन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl सॉलिड में। तो यहां पर ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव दोनों ही क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl सॉलिड में। अब यहां पर जो एंथैल्पी लगेगी वो होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा, मैं यहां पर लिख देता हूं, डेल्टा लेटिस H, ठीक है, और ये होगी नेगेटिव में, माइनस में, है ना, डेल्टा लेटिस एच नोट। भाई अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से अगर सॉलिड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड या आयोनिक सॉलिड हम बना रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, जो लेटिस एंथैल्पी है वो नेगेटिव होगी। और अगर NaCl से हम ये बना रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे थे,
इससे Na प्लस और Cl माइनस से हमने क्या बनाया, NaCl बनाया, तो लैटिस एंथैल्पी माइनस में है। अगर हम NaCl से Na प्लस और Cl माइनस बनाएंगे तो लैटिस एंथैल्पी प्लस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये सभी के सभी जो स्टेप्स थे ये हमने फॉलो भी कर लिए हैं। देखिए थर्ड स्टेप में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी थी इसको, फोर्थ स्टेप में हमने इलेक्ट्रॉन गेन करवाया था, Cl को इलेक्ट्रॉन गेन करवाया था, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ था, और लास्ट स्टेप में Na प्लस और Cl माइनस दोनों कंबाइन होकर के NaCl देंगे। तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों कंबाइन हुए तो NaCl मिला हमें। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने अपना 100% एफर्ट दिया है इसको समझाने के लिए। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।